इट इज नॉट इजी एक फेस के शो के फेस को 15 दिन तक नहीं होना बहुत मतलब बहुत टेंशन वाली बात है. तो वी गॉट टू नो कि रूपाली जी हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव एंड 2-3 मेंबर्स यू नो इन आवर शूट वाज लाइक कि भैया ये भी पॉजिटिव हो गए. सो हम सब डर गए. इट्स नॉट इजी टू बी ऑनेस्ट. वी ऑल आर मिसिंग देम. सुधांशु जी, रूपाली जी, ओशो, एवरीबॉडी. वी आर मिसिंग ऑलमोस्ट एवरीबॉडी. बट लेट्स सी होपिंग कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी आए और हम शूट स्टार्ट करें. अच्छा, एक बार फिर से लॉकडाउन शुरू ही हो चुका है कह सकते हैं तो. और आपके सेट पे इतने ज्यादा इस समय कोविड पॉजिटिव पाए गए थे लोग, तो वो मतलब आपके दिमाग में किस तरह से था? थैंकफुली अभी तक आपको कुछ नहीं हुआ लेकिन काफी लोगों को हो गया, तो किस तरह का सिचुएशन था? क्योंकि आपके जो को एक्टर हैं उनको सबसे पहले पारस के बाद उनको हुआ और उसके बाद धीरे धीरे सबको धीरे धीरे सेट पर हो गया. तो What was the precaution that was taken on set? और किस तरह से स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो वो किस तरह से आगे फॉरवर्ड ले जाने की बात की जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल वैसे तो पारस को होके 1 महीना हो गया था जब उसको पता, सब डर गए थे. इसको एंड पारस व्हेन ही वाज अनवेल तो हम सब उसको इनवैसे टच कर रहे थे, उसका सर दबा रहे थे, कोई उसको पानी पिला रहा था, कोई उसका शोल्डर दबा रहा था. बट अभी रिसेंटली कुछ दिन से सब बीमार थे बहुत एकदम लाइक इतना शूट बैक टू बैक हो रहा था तो सब एग्जॉस्ट हो गए थे. तो वी गॉट टू नो कि रूपाली जी हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव एंड 2-3 मेंबर्स यू नो इन आवर शूट वाज लाइक कि भैया ये भी पॉजिटिव हो गए. सो हम सब डर गए, बहुत डर गए. फिर 2 दिन बाद हमारा टेस्ट हुआ. टेस्ट होने के बाद चेंजेस आए, क्रिएटिव्स को कॉल लेना पड़ा, प्रोड्यूसर आ गए, डायरेक्टर आ गया, सब मीटिंग हुई. इट इज़ नॉट इजी एक फेस के शो के फेस को 15 दिन तक नहीं होना बहुत मतलब बहुत टेंशन वाली बात है. सो वी हैड टू टेक अ कॉल. बट या लकीली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ कुछ है एक्टर्स जो जिनको नहीं हुआ है, दे आर नेगेटिव. सो वी आर ट्राइंग टू फिल इन द मोमेंट्स एंड यू नो क्रिएटिंग सम सीन्स एंड ऑल ताकि वो अनुपमा का फील बना रहे ऑडियंस के लिए. इट्स नॉट ईजी टू बी ऑनेस्ट. वी ऑल आर मिसिंग देम. सुधांशु जी, रूपाली जी, तोशो, एवरीबॉडी. वी आर मिसिंग ऑलमोस्ट एवरीबॉडी. बट लेट्स सी होपिंग कि वो जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी आए और हम शूट स्टार्ट करें. Okay. जो फैंस है वो भी काफी क्यूरियस हैं क्योंकि काफी कुछ चल रहा था ऑलरेडी और टीआरपीज में भी सबसे हाईएस्ट पे सबसे फर्स्ट है शो. तो किस तरह से प्लॉट तो जो है वो चेंजेस को लेकर वो काफी ज्यादा क्यूरियस है जानने की कि अब क्या होगा, क्योंकि अब एज रूपाली इज इन इज बीन क्वारंटीन और काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं. तो किस तरह से अभी जो शो का अपकमिंग ट्रैक होगा वो किस पर बेस्ड होगा, ये अगर आप कुछ बता सकें? देखो मैं इतना कुछ रिवील तो करना मेरे लिए अलाउड नहीं है, बट ये है कि जैसे हमने दिखाया था कि दे हैव गॉन आउट तो उनकी एब्सेंस में घर में क्या क्या हो रहा है वो हम शो करने वाले हैं जब तक वो वापस नहीं आ जाते हैं. सो जस्ट अ फिलर सीन्स वेयर यू नो राखी कम्स, शी इज टेकिंग केयर ऑफ किंजल, किंजल इज टेकिंग केयर ऑफ द फैमिली और बहुत कुछ यू नो ऐसे स्वीट स्वीट क्यूट क्यूट मोमेंट्स डाल रहे हैं बाग के और राखी के बीच में. तो बेसिकली हम सिर्फ अनुपमा और वनराज का वेट कर रहे हैं वापस आने का. स्टोरी तो वही है, डिवोर्स का स्टोरी चल रहा है. तो ऑडियंस में वो कनेक्ट हम बनाए रख रहे हैं अनुपमा एंड वनराज का कि उनकी जो प्रीवियस लाइफ थी साथ में कितनी कितनी अच्छी थी, कितनी अटैचमेंट थी और अब वो अलग होने वाले हैं. तो वो एक बार ऑडियंस के मन में बैठ जाएगा ना कि हाउ ब्यूटिफुल इज दिस कपल. तो वो फिर जब टूटेगा ना तो ऑडियंस को फील होगा, उनको हर्ट होगा, बुरा लगेगा. तो वो वी वांट दैट कनेक्शन विद द ऑडियंस. तो वही सब चल रहा है शूट एंड आई एम जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि सब नॉर्मलाइज फिर से हो जाए.